और हम कई लोगों को कह रहे हैं कि आप बता ना रहे भाई, अब हम कितना इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे हैं, कितना इंस्टीट्यूशन खोल दिए, अब उसके बाद आप बहाली नहीं करिएगा तो लोग अनएम्प्लॉयड करेगा, किसके बहाली कर, हम भी तो इंजीनियरिंग ही ना पढ़े जी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार में नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल एवं संसाधन विभाग में नियुक्ति पत्र युवाओं के बीच बांटा है। तो वहीं नौकरी पत्र वितरण करने के बाद जो है कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है उनकी पोस्टिंग भी कल कर दी जाए। आज जिन 1006 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, हमने विभाग को कह दिया है कि इतने पदों से काम नहीं चलेगा, अधिक से अधिक पदों पर युवाओं को नौकरी दी जाए, जितने पदों की जरूरत है उतनी पदों का सृजन कर बहाली होना चाहिए। अगर बहाली नहीं किया जाएगा तो रोजगार का सृजन कैसे होगा। पढ़ाई करने के बाद मुझे भी नौकरी मिल रही थी लेकिन मैं राजनीति में आ गया इसलिए नौकरी छोड़ दिया। विभाग में जैसे ही कोई रिटायर करता है वैसे ही नए लोगों को बहाल किया जाना चाहिए। बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं और बहाली नहीं होगी तो रोजगारी जो है थोड़ी ही कम होगी। उनका साफ कहना था कि हम खुद भी इंजीनियरिंग कर चुके हैं और बाद में राजनीति में आ गए। जल संसाधन विभाग को दो हिस्सा में बांट दिया गया है, बाढ़ और सिंचाई दो हिस्सा में बांटे गए हैं। तो वहीं विजय बाबू को भी इस विभाग का मंत्री बनाया गया था लेकिन वे इस काम को नहीं कर पाए। बाद में 2016 में ललन बाबू ने करवाया। हम खुद बाहर निकलकर काम जो है उसको देखते हैं तो वहीं तेजी से सभी काम को करना है। क्या कुछ कह रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नियुक्ति पत्र बांटने के बाद, वो सुने आप लोग। लगाया कि आप समझिए कि 2022 तक में, मतलब जो हम लोग कोशिश किया और पहले तो बेचारे विजय कुमार चौधरी जी भी थे तो उस समय भी सब करवाए, तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि लगभग 4,39,000 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई क्षमता, बहुत जगह पर पहले से सिंचाई क्षमता लेकिन इतना में किया गया। लेकिन कुछ बार जब सिंचाई की क्षमता हो जाती है उसका ठीक से मेंटेनेंस नहीं होता तो हमने तो कहा कि हर हालत तो मेंटेनेंस करना है। तो जो 17,67,000 हेक्टेयर क्षेत्र में राशित सिंचाई क्षमता था उसको पुनर्स्थापित किया गया, तो ये सब काम में तो लगाए हुए। तो भाई आप लोग रहिएगा, अहिं के इंजीनियरिंग समुदाय के लोग रहेंगे और वही लोग ना मिल करके सारा का सारा काम करते रहेंगे और तब ना लोगों को ये फायदा होगा। तो ये सब काम किया जा रहा है, ये खुशी की बात है। और अभी पिछले 5 साल में जो हमने देखा, एक बात आपको बता देना जरूरी है यहाँ पर कि 55 सिंचाई योजनाओं को पूरा करके लोकार्पित भी किया गया। कई जगह हमको ले जाते हैं देखते हैं तब 55 जगह हो गया लेकिन हमने कहा कि इसको बहुत तेजी से काम करिए, यानी 1,84,000 हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा भी तो उपलब्ध करा दी है लेकिन हमने कहा कोई जगह नहीं रहना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने तो आगे अभी जो चीज की चर्चा कर दी कि हम लोगों ने तो लक्ष्य कर दिया है कि हर खेत तक सिंचाई, तो हर खेत तक सिंचाई होगा और उसके लिए 4 विभाग को जिम्मा दिया गया, जल संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग और कृषि विभाग, और इसके लिए पूरा का पूरा सर्वेक्षण करवाया गया है और सभी विभाग को ये जिम्मा दिया गया है और उसमें बहुत जल्दी ये पूरा का पूरा काम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हर खेत तक जो हमने आपको कहा कि अगले 4 साल के अंदर इस काम को पूरा कर देना है तो कोई मामूली बात होगी, आप सोच लीजिए हम लोग तो गरीब राज्य और अभी तो उप मुख्यमंत्री ने ठीक ही कहा कि हमको विशेष राज्य का दर्जा मिलता तब तक तो हम बिल्कुल खत्म हो जाते, हम गरीब नहीं रहते लेकिन उन सबको देते नहीं या देंगे भी नहीं तो हम लोग तो अपनी तरफ से ही सारा काम कर रहे हैं और इतना काम करते करते लोगों की आर्थिक स्थिति में पहले की तुलना में सुधार आया है और आगे और ज्यादा बढ़ाना है हम लोगों को, तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है और उसमें जो काम डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है मुझे खुशी है और बाकी जितना इनका प्रोजेक्ट है इन सब प्रोजेक्ट के बारे में बार बार हम लोग मीटिंग करते रहते हैं और इनको हम बराबर कहते रहते हैं कि सभी जगह पर ये पूरा का पूरा काम कर दीजिए। और एक चीज और है,
आप जानते हैं कि पूरे बिहार में चौर क्षेत्र है कई जगहों पर, अब वहां पर कुछ होता ही नहीं था, तो हम तो घूम घूम करके और कई साल से घूमे। कहे भाई विजय बाबू, कहना चाहिए था ना आपको कि आपके साथ चौर क्षेत्र नहीं गए थे देखने के लिए, तो बोलना नहीं चाहिए था। तो चौर क्षेत्र का भी जो काम करने के लिए उसको सब करके अब करवा रहे हैं, जहां जहां चौर क्षेत्र उसको एक हिस्सा को गड्ढा कर दीजिए और उसमें मछली पालन हो, मखाना का उत्पादन ये हो, और दूसरी तरफ आप समझ लीजिए कि उसका नीचे से निकाल करके ऊपर लगा दीजिए, तो वहां पर तो आप सब लोगों को ये करना पड़ेगा, बहुत अच्छा होगा। तो मिट्टी का उपयोग ऊपर में कर दीजिएगा तो सब चीजों का, उसमें औषधीय पौधों का, सब्जियों का, इसकी भी खेती होगी। कुछ जगहों पर काम शुरू कराया है, तो देखिए आप लोग सब काम करने वाले हैं, तो जरा जा करके देख लीजिएगा कि कितना ज्यादा फायदा हो रहा है। तो इसीलिए हम तो इनसे ही करेंगे कि चौर क्षेत्र के विकास का भी जरा काम कर दीजिए, उससे आपका इतना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा और लोगों की आमदनी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, इसलिए बहुत फायदा होगा और कहीं बाहर से कुछ हम लोगों को नहीं मंगवाना पड़ेगा, बल्कि हम ही लोग बिहार के बाहर भेजेंगे, सब कुछ बाहर भेज सकते। तो ये सब काम होगा और जिस काम में आप लोग लगे हुए हैं उन सब चीजों में तेजी से और ज्यादा काम कर दीजिएगा तो बहुत फायदा होगा। अब आप लोगों को काम मिल गया, अभी हमारे तो सभी साथियों ने आपको बता दिया है कि हम लोग तो कोई काम नहीं छोड़ रहे हैं, एक एक काम करवा रहे हैं भाई, तो हर जगह के विकास के लिए तो करना ही है हम लोगों का काम, और जहां कहीं भी लोगों की इच्छा है उसको पूरा करने का भी काम करें। तो ये सब काम तो हम लोग कर रहे हैं और करेंगे, लेकिन आप सब लोगों को आज जो काम दिया जा रहा है तो पूरी उम्मीद है, अभी हाथ उठा करके आप लोग कहे हैं, इसलिए आप सब लोगों को मैं बधाई देता हूं कि आप पूरा ईमानदारी के साथ और पूरी मजबूती के साथ काम कीजिएगा, और पूरा भाग भी लगा हुआ है। हम तो इनसे यही कहेंगे, आप बीच बीच में इनसे कई बार बतियाते रहते हैं, बराबर बात करते रहते हैं कितना हुआ कि नहीं हुआ, और कहा नहीं ज्यादा करके हम देख लेते हैं, पूछ लीजिए इनको और उनको, तो बता देना चाहिए जी कि फला जगह हम गए और देखा इसको, इस तरह से सुधार कर दीजिएगा तो बड़ा फायदा हो जाएगा। तो उसी तरह से जब कर देते हैं तो इनको दिखने लगता है कि कितना फायदा हो गया। तो इसी तरह से हम लोग चाहते हैं बिहार का पूरा विकास हो, और बिहार तो सबसे पौराणिक स्थल है जी, सबसे पुराना स्थल है, अभी तक लोगों को मालूम कहां है, जो जो लोग आजकल ऊपर है अब वो कहां के हैं वो अलग बात है, ये है सबसे पौराणिक स्थल, और यहां पर से ही राज होता था पूरे में, लेकिन अगर यहां का भी विकास होगा तो फिर यही सब जगह पर ऐसा सलाह देता रहेगा, अपने काम के जरिए लोगों को और प्रेरित करेगा। तो इसलिए सब लोग मिलकर के, आज चिंता नहीं करना है, हम लोगों को मिलकर के काम करना है और ईमानदारी से काम करना है, और आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। कुछ लोग तो खाली झगड़े ना करना चाहता है, आज तक तो झंझट शुरू किया ना कि हिंदू मुस्लिम का कुछ ऐसा कर दो ताकि कुछ होते रहे, ये सब कभी नहीं होने देना है, न कोई जात के बीच में झंझट, न कोई अलग अलग समुदाय के लोग हैं, अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं उसके बीच में झंझट नहीं होना चाहिए, सबको एक दूसरे के प्रति सम्मान करना चाहिए, लेकिन सबको मिलकर के सबके विकास का काम करना चाहिए, और हम लोग पढ़ाने से लेकर के नौकरी तक में किसी की उपेक्षा नहीं। और आप जान रहे हैं कि अब कितना ज्यादा महिलाओं का विकास हो रहा है, हर प्रकार से यहाँ पर तो कुछ महिलाओं को देख रहे हैं, अभी तक और ज्यादा बात है। मैं जल संसाधन विभाग को विशेष तौर पर बधाई देता हूं कि उन्होंने, अब दोनों सब लोगों ने तो बात कही दिया, ये कर ही नहीं रहे थे, फिर हमने कहा क्यों नहीं कर रहे, इसको तेजी से करिए और लोगों का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। पता नहीं क्यों विभाग में कभी कभी कोई कुछ ऐसा कर देता है कि मामला पेंडिंग रहता है, तो ये ठीक नहीं था, क्यों पेंडिंग रहता है।
इन सब चीजों को जरा जल्दी से करना चाहिए, इसके लिए काम करिए। तो मुझे खुशी है कि आप सब लोगों ने सब कुछ इन सब कामों के लिए कर दिया और सारे कनिये लेखा लेखा लिपिक का और निम्न वर्गीय लिपिक का इन सबका आप लोगों ने कर दिया, तो ये बड़ी खुशी की बात है। आज तो कुछ लोगों का हम लोगों से वितरण करा दिया, लेकिन अभी तुरंत आप सब लोगों को भी जो पत्र है वो वितरित करेंगे। और हमने कहा है कि भाई आज इनको दे दीजिएगा, लेकिन उसके अलावा नियुक्ति पत्र दे दीजिएगा, लेकिन इनकी पोस्टिंग भी कल तक जरूर कर दीजिएगा इनका पोस्टिंग, नियुक्ति पत्र दे के रहे ठीक कह रहे हैं हमको कि कल सबको पोस्टिंग हो जाएगी और जहां भी आपको काम करना है वहां पर काम करना शुरू करिएगा। ये बड़ी खुशी की बात है और आप मुझे खुशी है कि 489 निम्न वर्गीय लिपिकों का और 485 कनीय लेखा लिपिकों की आज बहाली हुई है, और जो बाकी जिसके बारे में इन लोगों ने चर्चा कर दी है कि 32 कनीय अभियंताओं का तो अभी कुछ दिन पहले दे दिया, 9 का बचा हुआ था उनको भी आज ही मिल जा रहा है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के अभी 1006 नियुक्तियां की गई है। अब ये तो ठीक बात है, लेकिन इसके अलावे इसी वर्ष फरवरी में 320 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति की गई है और 2386 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति की प्रक्रिया इन्होंने प्रारंभ की है। लेकिन मैंने इनको कह दिया कि इतना ही से काम नहीं चलेगा, अभी भी हमने इनको कह दिया है और चीफ सेक्रेटरी से लेकर के इनके सब सचिव को कहा कि इतना तो आप कर रहे हैं, लेकिन आज तो सुन लिए ना उप मुख्यमंत्री जी ने जो क्या बात आप लोगों को कही है। हम लोग तो चाहते हैं कि जितना जरूरत है उतना पद का सृजन करके लोगों की बहाली होनी चाहिए, इसलिए जरूरी है। और हम तो इन लोगों को कह रहे हैं कि आप बता रहे हैं भाई अब हम कितना इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे हैं, कितना इंस्टीट्यूशन खोल दिए, अब उसके बाद आप बहाली नहीं करिएगा तो लोग अनएम्प्लॉयड रहेगा, किसके बहाली करेंगे? हम भी तो इंजीनियरिंग ना पढ़े हैं जी, इंजीनियरिंग के बाद हमको नौकरियां मिलिए रहा था लेकिन हम छोड़ दिए, हम तो राजनीति में आ गए वो अलग बात है। लेकिन सब दिन हम ख्याल रखते हैं सब लोगों का, और इंजीनियर की जो भूमिका है कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है इसका ख्याल करते रहते हैं। तो एक एक चीज पर ध्यान रखना है और हम सब लोगों को कह रहे हैं कि इतना का तो कर रहे हैं लेकिन और ज्यादा पद का सृजन करके आप लोगों को नौकरी दीजिए और इसके बारे में नियमित रूप से जारी रखिए कि जो लोग रिटायर करेंगे उसकी जगह पर तत्काल बहाली का भी काम करिए ताकि ये पूरा का पूरा काम चलता है। ये बहुत आवश्यक है और ये सब काम तो चल ही रहा है। और इसके बाद एक नियुक्ति की बात है, आप समझ रहे हैं कि कितना सबूत कितना ज्यादा जरूरत है। आप तो सबको मालूम है कि आप जो है जल संसाधन विभाग का आप पहले तो एक ही हिसाब में बचा हुआ था, तभी तो इनको बता रहे थे, तो इसीलिए उसको सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन दो हिस्सा में हमने बटवाया। हमने कहा एक ही रहेगा तब बाढ़ वगैरह का समय आता है सब उसी में लगा रहता है और सिंचाई का काम कम हो रहा, इसलिए हमने कहा ये नहीं दो हिस्सा में बांटिए, एक हिस्सा आपके यहां करेगा बाढ़ नियंत्रण का काम या सुखाड़ से स्थिति के सामने जो भी करना है वो करेगा और दूसरा आदमी करेगा सिंचाई की व्यवस्था करने का। तब ये तो मान लिए 15 के बाद 16 में और उसके पहले दिन का भाषण सुन रहे थे विजय कुमार चौधरी जी का, इनको हम बनाए हुए थे, इनको भी कहे थे काहे देर कर रहे हैं, इसको तेजी से करना चाहिए दो हिस्सा में बांटना चाहिए, लेकिन उस समय नहीं किए। लेकिन 15 में जिनको जिम्मेवारी दिए थे वो मेरी बात को तुरंत मान लिए ललन बाब, और उसके बाद जो है 16 में ही इस काम को पूरा का पूरा शुरू कर दिया गया दो हिस्सा में बांटने का और अब सब काम कर रहे हैं। अब उसके चलते तो कभी तो देखिए कि बाढ़ वगैरह आ रहा है तो उसको देखने का काम तो है ही,
लेकिन इसके अलावे जो सिंचाई की व्यवस्था कम होती थी अब उस स्थिति में सुधार आया है। अब सिंचाई की व्यवस्था हो रही है और बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए भी जो भी काम होता है फ्लड के लिए वो भी काम कर रहे हैं। अभी तो देख लीजिए कि क्या स्थिति थी, सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न हुई। तो एक एक चीज पर सब लोग ध्यान दे रहे हैं और आपको मालूम है कि हम तो इस स्थिति में जो चार महीना का समय रहता है जिस समय वर्षापात होता है कहीं ज्यादा हुआ कहीं नहीं हुआ तो चार महीना हम और चीज नहीं इसी पर मेरा ध्यान रहता है कि कहां पर दिक्कत है वहां इसको आगे करिए। हर बार इस बार भी सब जगह घूम घूम करके इन लोगों को बताए हैं कौन साल है जिस दिन नहीं बताते हैं इस काम को करिए तो कुछ करते रहते हैं और उसके बाद भी जाकर के देखते हैं कि पिछला बार कहे थे तो कुछ काम आगे बढ़ा है कि नहीं, जरा आपको दिखा दे देखते हैं। तो ये सब तो अब कर रहे हैं ये लोग, अब तेजी से काम करना है। सब जगह समझ रहे हैं कि कितने लोग निर्भर हैं भाई खेती पर, आप समझ लीजिए हम लोगों की आबादी का 3/4 हिस्सा उस पर निर्भर है। तो हम लोग अगर ठीक से काम नहीं करेंगे, सबको सिंचाई नहीं है सब कुछ कर देंगे, और इस बार तो हमने ऐलान कर दिया है कि हर खेत तक सिंचाई का प्रबंध हम लोग करेंगे, ये कर दिया है। तो इस बार तो अपने 3 साल के अंदर 4 साल के अंदर हर खेत तक सिंचाई की व्यवस्था हम लोग को करनी है ताकि किसी को कोई तरह का दिक्कत नहीं हो, सब ठीक ढंग से सिंचाई करें। जो सुखाड़ की स्थिति होती है, हर तरह की स्थिति होती है, उन सब चीजों को देखते हुए अभी तो आप लोगों ने बहुत अच्छा कर दिया। पूरे के पूरे उत्तर बिहार में जो समस्या होनी पड़ती है वो तो नेपाल में तो अब जितना कहा गया कितना बार इसके लिए बात हुआ और कितनी बार किया गया। श्रद्धे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में भी हम लोग केंद्र में मंत्री थे, उस समय करवाए और भेजा गया, लेकिन अब तक वहां काम नहीं होता। जब भी नेपाल के लोग आते हैं हम सब बार उनसे यही रिक्वेस्ट करते रहे, पहले भी जब गए हैं तब और जब कभी यहां आते हैं तब, क्या उनके चीफ मिनिस्टर तक नहीं आए हैं यहां पटना? हमने सबको कहा कि भाई अरे जब तेजी से काम करवाइए, लेकिन अभी पूरा तेजी से काम हो नहीं रहा तो उसके चलते तो बहुत कठिनाई होती है। तो उस कठिनाई को दूर करने के लिए बाकी सब जो काम हम लोग को करना है वो तो पूरा कर नहीं पाएंगे, तो हम लोग जितना कर सकते हैं उसके लिए भी हम लोगों ने प्लान कर लिया। तो एक एक चीज के लिए उन सब चीजों को भी करना है ताकि इस मामले में हो, और जो जो दक्षिण बिहार है उसमें भी जो बाकी जितनी समस्याएं हैं सबका करना, और ताकि हमेशा पानी रहे और पानी का संकट नहीं रहे बल्कि पानी की उपयोगिता हो और पानी का फायदा हो। तो ये सब काम को करना है और उसके लिए आपको मालूम है कि अब पुलिस में 25,000 महिलाएं हो गई, देश में बड़े बड़े राज्यों में भी इतनी महिलाएं नहीं है। अब उसी तरह से हमने पढ़ाई में भी कह दिया है, चाहे डॉक्टर की पढ़ाई हो या इंजीनियर की पढ़ाई हो, कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षण है। आज अभी सब होगा तो और ज्यादा ना महिला नौकरी करेगी। अरे हम लोग जब इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो लड़की कोई पढ़वे नहीं करती, आप देखिए कितना लड़की पढ़ रही है। और आपको मालूम है अब IAS जो होते हैं, तो जब IAS होकर के यहाँ पर आते हैं जिनको पोस्टिंग होता है बिहार में, और जब उन सब लोगों से बात करते हैं तो आधा से ज्यादा वो सब इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ रहता है वो IAS होता है, और उसमें महिलाएं भी जो होती हैं उसमें भी आधा से ज्यादा इंजीनियरिंग पढ़ी हुई रहती है। तो आपको मालूम है कि कितना बड़ा चीज है। इसलिए इन सब चीजों पर पूरे के तौर पर ध्यान दीजिए और सब आगे बढ़ाइए, आप भी सबको खूब प्रेरित करिए ताकि खूब पढ़े और आगे बढ़े। तो सब मिला करके और ख्याल रखिएगा महिलाओं का भी, सब लोगों का पूरे तौर पर। अगर महिला आगे नहीं बढ़ेगी तो कहीं परिवार आगे बढ़ेगा? हम और आपको जन्म कौन किया है, मां ना की है? तो सब ज्यादा जरूरी तो महिला की ना है, तो इसलिए उनका भी पूरे के तौर पर होना है। तो उस सब चीज को ध्यान रखना, और इन लोगों को तो हम कह ही रहे बराबर कि थोड़ा ध्यान रखिएगा, महिलाओं को भी सब जगह बढ़ाइए।
तो आप सब लोग काम कीजिएगा और खूब बढ़िया से काम कीजिएगा, ये पूरा हमको भरोसा है। जब आपसे हमारे तेजस्वी जी ने आप लोगों से हाथ उठवा दिया, आपने हाथ उठा दिया, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। प्रसन्न रहिए, आगे बढ़िए और राज्य को आगे बढ़ाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आप और आज के इस नियुक्ति पत्र वितरण और उन्मुखीकरण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी और यहां पर उपस्थित माननीय मंत्री वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग और संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके नेतृत्व में हम तमाम। तो आपने सुना 1006 युवाओं को जो है नियुक्ति पत्र बांटा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, वहीं तमाम बातें कही है। तो वहीं सिंचाई को लेकर काफी तेजी से काम करने की जरूरत है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है हर खेत तक सिंचाई की व्यवस्था कराई जा रही है। बाढ़ को लेकर केंद्र की सरकार को नेपाल से जो है मुद्दे पर कई बार बात हुई है, लेकिन नीतीश कुमार ने कहा है कि 4,39,000 हेक्टेयर में सिंचाई पर काम किया जा रहा है, अभी तक 55 जगहों पर लोकार्पण का काम पूरा कर लिया गया है। तो वहीं ग्रामीण विकास, लघु जल संसाधन और वहीं जल संसाधन और कृषि विभाग इस पर काम कर रही है। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि बहाली ज्यादा से ज्यादा की जाए तमाम विभागों में। तो फिलहाल क्या कुछ कह रहे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।